नमस्कार, मैं अशोक ठाकुर, आप देख रहे हैं पूर्वांचल फास्ट न्यूज। आज मौजूद है माता कोपेश्वरी के मंदिर पे। नमस्कार आपके चैनल को, सबसे पहले हमारे तरफ से नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार सोनकर और मैं भाजपा में प्रदेश कार्य समिति का सदस्य मोर्चा का था और घोसी का प्रभारी था और मैं काफी दिनों से प्रयासरत था कि सभासद के टिकट के लिए मैं काफी दिनों से प्रयासरत था और जो भी पार्टी की नीतियां आती थी, जो भी कार्य आते थे प्रदेश समिति से, चाहे जिला समिति से, चाहे किसी भी समिति से, पार्टी के नेतृत्व के लिए हमेशा मैं खड़ा रहता था और मुझको ये पूरा विश्वास था कि पार्टी मुझको टिकट देगी। मगर किसी नीतियों के वजह से कुछ यहाँ के गलत जो कैडर के नेता हैं, जो यहाँ पे कोपागंज में बसे हुए हैं, उनके नीतियों के वजह से आज हमको टिकट नहीं मिला और टिकट न मिलने की वजह से जनता मुझको चुनाव लड़ाई। मैं चुनाव नहीं लड़ा, जनता ने कहा कि आप चुनाव लड़िए, आपके साथ मैं हूँ। जब मैं चुनाव लड़ा तो यही के कैडर के लोग सूचना पहुंचाए जिला अध्यक्ष को और जिला अध्यक्ष जी ने मुझको अपने पार्टी से निष्कासित कर दिया और हमसे पूछा भी कि आप पार्टी से बगावत कर रहे हैं। हमने कहा मैं पार्टी से क्यों बगावत कर रहा हूँ, मैं तो सपा का हराने का काम करूंगा, मैं कमल का फूल जो यहाँ खिल नहीं रहा उसको खिलाने का काम करूंगा। कहे कि आप भारतीय जनता पार्टी का आप जीवा लिए हैं। हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता एक स्तंभ का एक ईंट होता है और मैं एक ईंट हूँ, जहां से ईंट हिलेगा वहां मैं जोड़ने का काम करूंगा और कमल खिलाने का काम करूंगा। मैं निर्दल होके चुनाव लड़ा और जनता के आशीर्वाद से, बहुत कठिनाइयों से, बहुत मेहनत से मैं दो वोटों से विजयी हुआ हूँ। ये केवल जनता का सहयोग है, मेरा कुछ नहीं है, जनता ने मुझको चुना है, जनता का आशीर्वाद है। और मैं उन लोगों से कहता हूं कि जो पार्टी से हमको बगावत कर बागी कहे हैं, मैं बागी नहीं हूं, आज भी मैं झंडा लेकर उनका ढो रहा हूं और मैं हमेशा ढोऊंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूं, मैं सरस्वती शिशु मंदिर का छात्र हूं, मैं संघ का कार्यकर्ता हूं, जहां से बीजेपी पैदा होती है वहां से मैं लड़ के आया हूँ, सीख के आया हूँ। मगर यहाँ ने हमको सम्मान नहीं दिया, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मैं तब भी आज झंडा ढोऊंगा, आगे बैठूंगा। अगर पार्टी हमको अगर बुलाएगी तो सह सम्मान में पार्टी के लिए फिर कार्य करने के लिए तत्पर हो जाऊंगा और मैं पार्टी का ही कार्यकर्ता बन के रहूंगा, न कि किसी विरोधी दल का रहूंगा। मेरे लिए बीजेपी आज भी थी, कल भी थी और जीवन उपरांत रहेगी। आप देख रहे हैं जैसे संजय जी अभी बताया इन्होंने कि मैं बीजेपी में काफी दिनों से जो है कार्यरत था और मैं जब चुनाव में जब पार्टी के कुछ लोगों ने जो टिकट नहीं दिया, टिकट कटाने का काम किया, टिकट कट गया तो इन्होंने निर्दल पर्चा भरा। अब पर्चा भरने के बाद लोगों के बीच में जाते थे, जैसे ही सूचना जो है ऊपर के अधिकारियों को मिल गई और इनको पार्टी से हटा दिया गया। जब पार्टी से हटा, अपना जो है धैर्य नहीं खोया इन्होंने और पार्टी के लिए जो अपना चलता रहा अपना चुनाव, आज जो है नव निर्वाचित हो गए, आज चुनाव जीत गए। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का, पहले तो बता दें कि अभी इनका कहना है कि मुझे जो पार्टी जो है मुझे कागज से निकाली है, दिल से नहीं निकाली है। इन्होंने आज भी जो झंडा केसरिया झंडा भगवा झंडा आज भी लेकर चल रहे हैं और इनको जो है सिर्फ पार्टी से, दिल से ये पार्टी से नहीं निकले हैं। आइए अब देखना यह है कि पार्टी इनको कितने सर्व सम्मान से इनको फिर बीजेपी में वापस लेती है। आइए पहले हम इनसे बात करते हैं। आप बताइए कि जो है आप टिकट कटने का दुख बहुत काफी हुआ होगा। दुख हमको हुआ जिस दिन मेरा टिकट कटा, मैं 2-3 घंटे रात में सो नहीं पाया। मगर मैं सबसे पहले टिकट कटने के बाद मैं जनता के बीच गया और जनता से पूछा कि देखिए मैं आपके यहाँ से चुनाव लड़ने वाला था और बीजेपी मेरी सिंबल थी और मुझको टिकट नहीं मिला तो क्या मैं चुनाव नहीं लड़ूं। तो उनका कहना था कि आप चुनाव लड़िए, आपके मैं साथ हूँ, और जब बीजेपी में थे तब भी साथ थे और आज भी साथ हैं, हम आपको विजयी बनाएंगे। और मैं जनता के विश्वास से चुनाव लड़ा, न कि अपना विश्वास, तो मैं पार्टी के साथ सिंबल लेके था। यहाँ के नेता तो आपको जो पार्टी से जो निकाल दिए, यहाँ के नेता ने निकाला है, मगर मेरे दिल में आज भी भारतीय जनता पार्टी जिंदा है। अभी आज भी जो है मैं लेके चल रहा हूँ, दिल में जनता पार्टी आज भी दिल में है। बिल्कुल। तो क्या फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग वापस बुलाएंगे तो वापस जाएंगे? बुलाएंगे तो सब सम्मान जाएंगे, नहीं जाएंगे तभी मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए, यह भारतीय जनता पार्टी अगर बुलाएगी और नहीं बुलाएगी तो भी भारतीय जनता पार्टी के बैंगर तरह इन्होंने काम करने का वादा कर रहे हैं और काम करेंगे। आइए कुछ और मुद्दे पे बात करते हैं। चुनाव जो जीते हैं ये जो है
किसको जो है आप श्रेय देते हैं? मैं सबसे पहले तो मैं अपने जनता को, जो जनता ने मुझको कहा कि साहस भरा कि आप चुनाव लड़िए, और मैं अपने पूजनीय माता पिता को श्रेय देता हूँ कि उन्होंने भी मेरे साथ सपोर्ट किया, मेरे पूरे परिवार, एक एक मेरा छोटा भाई मेरे कदमों से कदम मिला के घर घर जाके वोट मेरे लिए मांगा। उनका मैं ऋणी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरे वो घर के थे। और मैं जनता का बहुत बड़ा आभार व्यक्त करूंगा कि एक एक दोस्त, मित्र, चाचा, पटीदार, दयाद जो मेरे खानदान के थे, मेरे पूर्वज के, चाहे कोई भी भेदभाव भूल के मेरे साथ लग के, चाहे कोई खुल के चाहे चोरी से मेरा सपोर्ट किया, मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आप देख रहे हैं राजनीति जो इन्होंने पहली बार राजनीति माता कोपेश्वरी के मंदिर से राजनीति शुरू किए हैं। आइए हम बात करते हैं राजनीति आप जो है कहाँ से शुरू किए हैं? राजनीति तो मैं पहले यहाँ का, पहले सबसे पहले विगत 3 साल पहले यहाँ का अध्यक्ष बना, और अध्यक्ष बनने के बाद मैं तमाम नीतियों पे तमाम काम किया, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो यहाँ का होने माता जी के आशीर्वाद से मैं भारतीय जनता पार्टी में, इसके बाद में प्रदेश कार्य समिति में हुआ, और तब से मैं जनता का सेवा कर रहा हूँ। और वार्ड की जनता हमको जानती है कि डॉक्टर संजय अगर चुनाव जीते हैं तो जनता के लिए हमेशा तत्पर पहले भी थे, और आज अगर मुझको उन्होंने जिताया है, मुझको पदाधिकारी बनाया है, तो शायद उससे ज्यादा मैं उनसे जुड़ के उनका कार्य करूंगा। और सबसे पहले तो मैं ये जरूर कहूंगा कि गरीबों से 1 रुपया लूंगा नहीं, अगर सही रहेगा तो मैं उसको अपने पास से दूंगा। चुनाव लड़ने का ख्याल कब आया? चुनाव लड़ने का ख्याल तब आया कि जब मैंने देखा कि तमाम लोग त्राही त्राही मचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो हमारी सरकार है आवास देती है, निशुल्क आवास आता है, सरकारी कर्मचारी आते हैं घर से फोटो खींचते हैं और सरकार से पैसा आती है, मगर हमारे लोग, हमारे गांव के लोग कहे कि देखो संजय बेटा हमसे पैसा लिया जा रहा है और ऐसे किया जा रहा है, और तमाम ऐसे काम थे जो हमारे वार्ड में नहीं हुए थे, मैंने अपने आंखों से देखा क्योंकि मैं उसी वार्ड का मैं सदस्य हूँ। तो हमको लगा, और जनता ने कहा कि मैं तो पहले इच्छुक नहीं था कि चुनाव में लड़ूं, पर जनता ने कहा कि देखिए आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं, सपोर्ट किए, तो मैं चुनाव जनता के लिए ही लड़ा और जनता के लिए ही जीता हूं और जनता के लिए ही कार्य करूंगा। धन्यवाद संजय जी। एक मुद्दा और है कि आप जो ऐसा क्या काम करेंगे कि लोगों में प्रिय रहेंगे? देखिए काम बता के जो करता है वो नेता नहीं होता, मैं काम करूंगा, जनता बताएगी कि डॉक्टर संजय सोनकर ने कार्य किया। आप देख रहे हैं पूर्वांचल फास्ट न्यूज। आज हम संजय जी से हमने बात किया और सारे मुद्दाओं पे बात किया। नमस्कार, जब तक के लगे रहिए। मैं अशोक ठाकुर, नमस्कार।